गौरेधाम में उपनयन संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बसंत पंचमी के अवसर पर गौरेधाम में उपनयन संस्कार आयोजित किए गए। एक साथ कई ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार आयोजन में भाग लिया। यहाँ इको फ्रेंडली भोजन व्यवस्था रखी गई थी। भोजन के बाद डिस्पोजल की बजाय तांबे के लोटे से पानी पिलाया गया। चाय के लिए भी चीनी के कप थे। यजमान यजमान सात कुशा की काड़ी उल्टे हाथ में घुमाए। जीजा आ गया, ओ जीजा आ गया, आप आ गया, आगे आ जाओ। ये कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का आज बसंत पंचमी के अवसर पर ब्राह्मण समाज खरगोन द्वारा आयोजित किया गया है। पूरा खरगोन नगर, पूरा तहसील और पूरा खरगोन बड़वानी जिले के लोग इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में शामिल हो रहे हैं। कई सालों से एक परंपरा है कि प्रतिवर्ष यज्ञोपवीत संस्कार और सामूहिक विवाहों का आयोजन ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाता है, लेकिन इस बार बड़े विशाल पैमाने पर यह आयोजन किया गया है। साथ ही भोजन व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए जो बैठकर भोजन करेंगे उस पंडाल की गाय के गोबर से गोमातीर से लिपकर तैयार किया गया है आयोजन समिति के द्वारा। और कुछ लोगों के लिए जो जल्दी जाना चाहते हैं उनके लिए बफेट की भोजन की व्यवस्था की गई है आयोजन समिति के द्वारा। निरंतर ये प्रोग्राम चल रहा, सुबह 8 बजे से चालू है, शाम को 4 बजे तक चलेगा। वो अभी कई लोगों ने बोला है कि निश्चित ही अक्षय तृतीया पे सामूहिक विवाह का आयोजन करें। ये अभी आयोजन समिति एक बैठक करेगी इस कार्यक्रम के बाद, उसके बाद आयोजन समिति तय करेगी कि जो जोड़ों की संख्या है वो अच्छी होती है तो निश्चित ही अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह का और परिचय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। समिति के अध्यक्ष